देखो क्या बोलेगी मम्मी। शेरू ज्यादा एक्साइटेड, उसे पता नहीं समझ नहीं आ रहा है क्या चीज है। इतने पैसे मुझे देकर जितने के तू पटाखे लाए। गिर गया सब कुछ, गिर गया। क्या हो गया भाई जी? ओहो अभी हुआ क्या? अरे ताजा ताजा है मतलब। Hey guys, welcome back to my new vlog. आप सब कैसे होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली आने वाली है और दशहरा निकल चुका है। आज मन कर रहा है मैं ऋषिकेश जाऊँ और अपने साथ अपना जितना भी सामान है ना पटाखे उठा के देखो कितना बड़ा बैग ले रखा है मैंने। तो पटाखे और कुछ लड़ियाँ लानी है, बाकी एक छोटा मोटा काम भी है तो वो निपटाते हैं। बाकी चलो चलते हैं और ऋषिकेश की देखते हैं महफिल कैसी है। बाकी चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने गोप्रो के सेटअप में और बाकी आज भयंकर धूप हो रही है। सारे पटाखे लेने हैं आज यार, पूरा बैग भर के लेके आना है। और मम्मी तो कह रही थी कि 1000 के लाना, मैंने 1000 के कोई पटाखे आते हैं आजकल। बाकी लड़ियाँ भी लेनी है मुझे घर सजाने के लिए बहुत सारी, तो वो भी मिल जाएंगी ऋषिकेश में। बाकी मैं देहरादून भी जा सकता था बट देहरादून काफ़ी दूर पड़ जाएगा। ओ भाई ये क्या है? ऋषिकेश में इतना लंबा जाम, पूरा ऋषिकेश जाम हो रखा भाई, देख रहे हो? इसलिए कहते हैं दिवाली के आसपास नहीं आना ऋषिकेश। भाई देख रहे हो कितना भयंकर जाम लगा हुआ है। मोड़ पे भी देखो, तेरा पे भी जो इतना सातवां मोड़ है भाई, क्या लोग रखे, जगह ही नहीं मिल रही निकलने की। क्या हो गया, क्या क्लेश है भाई, क्या हो गया, कुछ कांड हो गया लग रहा है। ओ भाई गाड़ी की ऐसी कैसी हो गई। मैं सुबह से यार 3-5 एक्सीडेंट देख चुका हूँ, मेरा दिमाग हो गया ख़राब। अब देखो यहाँ पे भयंकर गाड़ियाँ भिड़ गई शायद। अबे यार क्या है सीन, क्या सीन है ये, पूरा देख लो पीछे पूरा जाम ही जाम हो रहा है। अब ये दिक्कत है यहाँ पे, तो दूसरी रोड भी नहीं निकलने के लिए, मैं कहाँ निकलूँ। बाकी मैडम के पीछे पीछे चलते हैं, मामला कैड़ा ही हो गया। क्या हो गया भाई जी? ओहो अभी हुआ क्या? अरे ताज़ा ताज़ा है मतलब। भाई ये मोड़ ही सबसे ख़तरनाक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना ये मोड़ कितना ख़तरनाक है, 7 मोड़। तो भाई यहाँ यही सीन है, कोई भरोसा नहीं होता। चलो यार जल्दी फटाफट। ओ भाई कहाँ डाल दी गाड़ी है भाई, मामला ही गड़बड़ हो गया है तो। ओ भाई टायर ही बाहर आ गया भाई, इसलिए तो मैं पहले भी वीडियो में कह रहा था आप लोगों को कि यहाँ पे ना दिक्कत देगी सबसे बड़ी 7 मोड़ की, कि भाई हल्का सा आपने ना मजाक किया या फिर लापरवाही करी तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। बाकी मैंने ऐसा कभी यहाँ पे देखा नहीं, जाम होता रहता है जबकि आज खतरनाक ही हो गया है यार। क्या यार फेस्टिवल सीजन में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए यार, मतलब होनी तो ऐसे नहीं चाहिए पर मूड ख़राब से हो जाता है, जो मतलब एक्साइटमेंट थी ना पहले की वो सब ऐसी हो जाती है, बस रह ऐसी रह गई। चलते रहो धीरे धीरे, देखता हूँ कितना लंबा जाम लगा हुआ, बस ख़त्म हो गया। अब मुझे ढूंढने ऋषिकेश में सबसे सस्ते पटाखे कहाँ मिलेंगे भयंकर, जो मतलब कम से कम 90% ऑफ चल रहा हो, कम से कम 70 या 60 तो चल ही रहा हो। और देखनी है लाइट्स, देखनी है यार कहाँ कहाँ मिलती हैं सस्ती वाली। अंदर मार्केट में जाना पड़ेगा क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा महंगा है यार। बाकी पर ट्रैफिक से बचना था, वही बच पाऊंगा लग रहा है मैं। अरे मैडम कहाँ जा रही है? जूते नहीं चाहिए। तो भाई मुझे पता लग गया कि मार्केट किधर है पटाखों का, ये वाली जगह है, मैं भूल गया था। ये यहाँ सब कुछ मिल जाएगा, पटाखे पुटाखे सब A to Z। ये देख रहे हो ये सारी दुकान है, दिल्ली ट्रेडर्स बड़े बड़े। तो गाइस हमने पटाखे ले लिए हैं, देखो काफ़ी पटाखे थे और अपने यहाँ पटाखे ले लिए, काफ़ी अच्छा डिस्काउंट दिया भैया ने। और अगर आपको पटाखे लेने हैं तो भैया कहाँ आना पड़ेगा? अच्छा कौन सी दुकान का नाम क्या है? तो दिल्ली ट्रेडर पे आप जा सकते हो, पटाखे काफ़ी अच्छे अच्छे मिल जाएंगे आपको, डिस्काउंट अच्छे देंगे भैया। और मेरा नाम लेना थोड़ा और मिल जाएगा डिस्काउंट। तो नहीं हूँ इंसानों में, बाकी देख सकते हो आपके पूरा है, जो जो आपको चाहिए लेटेस्ट पटाखे सारे दिख रहे हैं। खुलेगा तो नहीं है?
बहुत धन्यवाद। 12 रुपए की तो चाय आजकल, और तुम 5 रुपए में पटाखा ढूंढ रहे हैं। 2 रुपए अंकल जी जरा साइड दे दो आगे भाई। गाइस एक थोड़ा बैग है मेरे, बाकी इसमें अब देखते हैं जाएगा कैसे भाई। पटाखे तो पूरे ले लिए, अब लाइट ले लेते हैं। पर अंकल लाइट कितने कितने की है? मुझे लगभग कितने कितने उसमें है मीटर में? 10 मीटर से स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस 20 लड़ियां ले ली हमने गोल्डन कलर की, और पूरा झालर लगाएंगे घर के ऐसे बढ़िया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 कितना मीटर बताया आपने? 15 मीटर। ठीक है 15 मीटर वाली है, 20 ले ली काफ़ी है। तो यार ले ली लड़ी भी ले ली, और वो कट्टा मेरा वो रखा है। बाकी यार भीड़ बहुत ज़्यादा है, बाकी निकलते हैं हम घर और ये सजाते हैं पूरा, मज़ा आएगा। कट्टा भारी बढ़िया। चलो भाई थैंक यू। अगर ये कट्टा फिसलाना भाई गिर जाऊंगा मैं भयंकर तरीके से यार। अभी गिर गया था भाई मैं। अब एक तो ये साला हैंडल नहीं हो रहा ना, ट्रैफिक इतना है भाई। तो इस बार मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार दिवाली के लिए। उसके भी रीजंस हैं, क्योंकि देखो पिछली बार था क्या, हमारी प्यारी दादी गुजर गई थी, तो हमारी दिवाली नहीं थी, तो काफ़ी सुना सुना हो गया था घर। बाकी मैंने सोचा था दादी को याद करके इस बार घर को पूरा चमका दूंगा खतरनाक तरीके से। और दूसरा रीज़न है कि मेरी जो मेरी बेटी हुई है, मैं सब कुछ लेके भी आ गई, ये ट्रैफिक अभी तक नहीं हटा, ऐसे का ऐसा ही लगा हुआ देख रहे हो। तो गाइस मम्मी का रिएक्शन लेते हैं इतने पटाखों में, मम्मी क्या बोलती है देखो क्या बोलेगी मम्मी। बैग भी भरा हुआ है। माँ नमस्ते, धन्यवाद धन्यवाद। इतने सारे पटाखे ले आया था मैं। हैं लाइट भी आया मैं, लड़ी बहुत सही पड़ी मम्मी। बाकी देखो पटाखे कितने सारे हैं इसमें, क्या करना। ये देखो दो ये हो गए, ये रॉकेट, ये रॉकेट हो गया, ये 30 शॉट। और भी होंगे, कोई नहीं, एक लक्ष्मी आई तक जा रही है। कितने पटाखे मम्मी बताओ कितने के होंगे? हैं कम बोल दिया तुमने। वो नमस्ते, थैंक यू थैंक यू। 12 seconds later तो गाइस काफी रेस्ट हो चुका है। बाकी अभी हम देखो लड़ी वड़ी ला चुका हूँ मैं, सारा सामान ला चुका हूँ। बाकी मुझे घर से जाना है, मैं आपको दिखाता हूँ मुझे कहाँ पे सजाना है। बाकी देखो ये हमारा फ्रंट है घर का, और दूसरी जगह से साइड है। ये देखो फ्रंट, पहले मैं ये सोच रहा हूँ फ्रंट सजाऊंगा, क्योंकि मेरे पे 20 लड़ियाँ हैं, देखता हूँ कितनी आ सकती हैं शायद यहाँ पे। हमारा है ना इस साइड पूरा सजाना है मुझे, पहले हम ये वाला सजाएंगे फिर हम ये वाला सजाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से करते हैं, बाकी जितनी लड़ियाँ बचेगी मैं इस साइड लगाऊंगा। कोशिश मैंने यहाँ पहले भी से लगा रखी हैं लड़ियाँ, जरूर ज़्यादा एक्साइटेड से पता नहीं समझ नहीं आ रहा है क्या चीज़ है। पता तुझे क्या है? तो स्टैंड की जरूरत थी, क्योंकि ना मैं काम करूँगा मैं पकड़ नहीं पाऊंगा। बाकी ये मंगा लिया नीचे से। बाकी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ पहले अपने घर के पास का। ये सारा देखो इधर से धोनी का ट्रक है, और वो टावर है हमारे खेत पे। बाकी इधर से पूरा गांव देख सकते हो आप कितना बढ़िया लगता है। शेरू पता नहीं क्यों टेंशन में है, क्या हो गया क्या हो गया? ये कुत्ते देख लेता है ना पागल हो जाता है पूरा। बाकी देखो कितना हरा भरा गांव है हमारा। बाकी आपको अच्छी दिखाता हूँ, देखो मैं कहता हूँ जल्द उड़ाई कर दिया मैंने कलेस, देख रहे हो वहाँ देखो। तो गाइस मैंने तार बिछा दिया देख लो यहाँ से लेके ना पूरी ये करके फोन बच गया मेरा बस, ये देख रहे सब टूट गया ये सब। तेरी वजह से मैंने फोन गिर गया। गाइस जो मैंने तार डाली ना इसमें आप पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा है, ऐसे तो मुझे 20-25 जगह पढ़ना पड़ जाएगा। इसलिए अच्छा क्या होता है मैं सबसे अच्छा मार्केट से ना कनेक्टर ले आता हूँ, जो कनेक्टर आता है ना पूरा उसमें पटाखे लगाओ। कनेक्टर लेने आ चुके हैं, बाकी देखो मैं उससे लगा रहा हूँ थोड़ी देर पहले। दिक्कत हो रही है वायरिंग काट करके, बाकी अभी हम कनेक्टर आगे देखेंगे भैया ने जो दिया ना।
इस कनेक्टर से क्या होगा, इजी बहुत जल्दी हो जाएगा यार लगाना। मेरे को जो मेरे काम 2 घंटे लगते हैं, मुझे आधे घंटे में काम पूरा हो जाएगा मेरा। कनेक्टर लेके आ गया और उससे पहले जिस दुकान पे मैं गया था कनेक्टर लेने, भाई ने 2 जोड़े इतनी ब्यूटी ब्लास्ट बने धड़ाधड़। मैंने कहा तू रहने ही दे, बाकी दूसरी दुकान से लाए बढ़िया है, ये देखते हैं लगा के। लाइट लग चुकी है पूरी और हमने नीचे से जो थी ना पूरी इकट्ठी कर दी है, तो इतना अच्छा लुक आ रहा है ना। बाकी हमारी 2-3 लाइटें कम पड़ गई है, बाकी आप देख सकते हो कि इधर वाला एरिया में 2-3 लाइट कम पड़ गई, बाकी ये वाला एरिया कितना अच्छा लग रहा है ना। हम नीचे से पूरी हमने बटोल दी है। कहीं पे एंड करते हैं, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना जरूर, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।